भरतपुर में राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 20 फरवरी को 16 राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें जिसका पोस्टर विमोचन भरतपुर नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार ने किया। अजीत कुमार ने बताया कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अजय दुर्ग स्थित भरतपुर में 16 राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। फरवरी को राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक पहल के तत्वाधान में एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और ये मैराथन भरतपुर में पहली बार होने को जा रही है। इसके तीन हिस्से होंगे, एक हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की, एक भरतपुर ड्रीम रन 8 किलोमीटर का और एक बच्चे और बुजुर्गों के लिए लोहागढ़ रन 4 किलोमीटर का। तो इसके ऑर्गेनाइजर हैं ये देव अमित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी, और इनका जो मकसद है ये दौड़ समर्पित है देश के नाम से। बच्चे जो गरीब पिछड़े होते हैं, या हम लोग अमीरी और गरीबी में भी अंतर नहीं करते हैं, सभी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें हम IAS और RAS की तैयारी फ्री करवाते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो लोग आप भी हमारे यहाँ आ सकते हैं और 20 फरवरी तक हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। आप लोग इस दौड़ में सब हिस्सा लें, सफल बनाएं और पूरे भरतपुर को पूरे देश में एक पहचान दें।